हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, चाइना तो बड़ा खुश है कि जो चाइना रशिया चाहते थे हमने वो किया, और ज़रूरी भी था। आगे डेवलपमेंटल इशू के ऊपर हमें डिस्कस करना भी था। कितने दिन तक हम लोग एक ही वॉर को खींचते रहेंगे? क्या दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा उस वॉर के अलावा? तो ये तो खैर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने किसी के प्रेशर में आके ऐसा नहीं किया है। तो उसी खुशी खुशी में चाइना, देखिए, डिक्लेरेशन रीअफर्म्स G20 इज़ अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक टाइज, नॉट जियो पोलिटिकल। तो चाइना खुश है, चेहरा देख के भी लग रहा है, सोच रहे घर जाके कॉकरोच खाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। चाइना इन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल रिएक्शन टू द G20 समिट ऑन मंडे सेड इट वेलकम द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन विच हैड रीअफर्म्ड दैट द G20 वॉज अ फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड नॉट अ प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व जियो पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशूज। तो सही बात है, ये अपने गोल पे रहे हैं G20 वाले, चाइना ऐसा बता रहा है। बीजिंग सेड इट ऑल्सो वेलकम दी एम्बिशियस न्यू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC प्लान अनिवील ऑन सैटरडे अनाउंस्ड बाय इंडिया द US सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब UAE फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूरोपियन यूनियन सीन एज अ काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बुरा तो इनको लग ही रहा होगा, पर क्या करेंगे। बट सेड इट शुड नॉट बी बिकम अ जियो पोलिटिकल टूल द IMEC इंडियन मिडल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर कॉम्प्रोमाइज एंड ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू द गल्फ रीजन एंड द नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग टू द गल्फ टू यूरोप। तो वही मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है, इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडल ईस्ट से, गल्फ रीजन से, इसको कनेक्ट करेगा यूरोप से। तो इंडिया मिडल ईस्ट कनेक्ट होगा यूरोप से, तो ये कनेक्टिविटी हम लोग। और इसको चाइना कैसे देख रहा है? काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI एंड विल इंक्लूड अ रेलवे एंड शिप रेल ट्रांजिट नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट। चाइना वेलकम्स ऑल इनिशिएटिव एंड ट्रूली हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिंसियर एफर्ट टू प्रमोट कनेक्टिविटी एंड कॉमन डेवलपमेंट द फॉरेन मिनिस्टर सेड इन एन स्टेटमेंट टू मीडिया। एट द सेम टाइम वी एडवोकेट दैट वेरियस कनेक्टिविटी इनिशिएटिव शुड बी ओपन इंक्लूसिव एंड फॉर्म सिनर्जी एंड शुड नॉट बिकम जियो पोलिटिकल टूल। मतलब बार बार इनका इन्फोसिस इसी पे है, इकोनॉमिकली तुमको जो करना है कर लो, जियो पोलिटिकल टूल मत बनाओ, आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा यहाँ पे सॉर्ट आउट मत करो, जो चल रहा है करो, ये जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक डिस्कशन के लिए बना है, इसको वहीं तक सीमित रखा जाए। आस्क अबाउट द G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नॉट मेंशनिंग रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन अनलाइक लास्ट ईयर्स बाली डिक्लेरेशन। फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन माओ निंग सेड चाइनाज पोजिशन ऑन द यूक्रेन इशू इज कंसिस्टेंट एंड क्लियर। क्लियर इनका इतना है कि ये रशिया के साथ है, होना भी चाहिए। द G20 लीडर्स डिक्लेरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ कंसेंसस थ्रू कंसुलेशन एंड रिफ्लेक्ट्स द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल मेंबर्स। द न्यू दिल्ली समिट रीअफर्म्स दैट द G20 इज अ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड नॉट अ प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व जियो पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू। ऐसा बोला है, वी ऑलवेज बिलीव दैट द की टू द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन क्राइसिस लाइज इन डिस्कार्डिंग द कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। मतलब ये कोल्ड वॉर का जो मेंटेलिटी है उसको ख़त्म करो, यूक्रेन वॉर क्राइसिस अपने आप ख़त्म होगा। हाँ, एक और चीज़ अगर आप ध्यान दें, इन्होंने यूक्रेन वॉर नहीं बोला है, इन्होंने बोला है यूक्रेन क्राइसिस, जो इंडिया अपने उसमें बोलता है यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। वॉर हम लोग नहीं मानते क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट करते हैं। अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू द रिस्पेक्टिंग ऑल साइड्स लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न एंड सीकिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन। चाइना विल स्टे कमिटेड टू प्रमोटिंग पीस टॉक्स एंड वर्क टुगेदर विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर पॉलिटिकल स्टेटमेंट सेटलमेंट ऑन यूक्रेन क्राइसिस। अरे बेवकूफ, तुम अपने आसपास जो कर रहे हो वो देख लो ना, प्रमोट कर रहे हो क्या पीस को तुम लोग? अपने मैप में कुछ भी दिखा के सब मिलकर मारेंगे, एक दिन मजा ही आ जाएगा, खाते रह जाओगे अपना तुम लोग घास फूस। घास फूस तो खैर खाते नहीं हो, कीड़े मकोड़े खाते हो। सर दिस समिट चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग एलाबोरेटेड ऑन चाइनाज व्यू एंड प्रपोजिशन ऑन G20 कोऑपरेशन कॉलिंग ऑल पार्टीज टू स्ट्रिक्ट टू ओरिजिनल
aspiration of solidarity and cooperation live up to responsibility for peace and development as required by our time and pattern. As promoting the world economic recovery, open cooperation and global sustainable development, the summit adopted a leader declaration which reflects China's proposition and states that G20 would act in concrete way through partnership, sending a positive signal to G20 working together and tackle global challenges and promote world economic recovery and global development, she said. In the process of preparing ITNA, China played a constructive role and always support the summit in attaching importance to concerned developing countries and ITNA. ठीक है भाई, जितना फेंकना है तुम लोग को फेंक लो, तुम किसी के लिए concerned नहीं हो, तुम खुद के लिए concerned हो. अफ्रीका को इसलिए तुम किया हो कि वहाँ भी तुम नियो कोलोनाइजेशन कर सको, उनको डेट दे दे करके उनको फंसा लो और उनका कोई ना स्टेट और कहीं ना कहीं आइलैंड पे तुम अपना कब्जा जमा लो, 99 ईयर्स का लीज ले लो जैसे तुमने चाइना के साथ किया है, फिर वहाँ पे अपने आर्मी नेवल को सेट कर दो. ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये लोग, जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा है. पर इसी को बोला जाता है डिप्लोमेसी, कि देखिए इनके मन में क्या है और कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं. द फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन एडेड दैट मिस्टर ली एंड ब्रीफ कन्वर्सेशन विद लीडर्स ऑफ अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एट द वेन्यू. ड्यूरिंग द ब्रीफ कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट बाइडन, Premier Li stressed on China's development is an opportunity, not a challenge to US, and the two countries should seek up exchanges, she said. Adding, the President Biden said that the US hopes to see China's economy growing and will not hurt its growth. बेवकूफ़ बेवकूफ़ बनाते ये लोग एक दूसरे को और कुछ नहीं करते. मेरे को तो हंसी आती है इन लोगों के बात पे. US कभी नहीं चाहता चाइना ग्रो हो, फिर कह रहे हैं वी विल नॉट हर्ट यू बट वी आर हर्टिंग यू. तो इस आर्टिकल में हमारे लिए कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, बस इतना जानो चाइना ने बोला है कि G20 जिस काम के लिए बना था, जो है आपका इकोनॉमिक इशू रिजॉल्व करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये वही है. और अच्छा हुआ हमने यहाँ पे कोई सिक्योरिटी टाइज और जियो पोलिटिकल इशूज नहीं, हमने यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज नहीं किए. चाइना ने इंडिया की तारीफ की है, चाइना बोला है कि उसका डेवलपमेंट होगा, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. पर यूएस जो बोल रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल नहीं होगी, हम हर्ट नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा उसी को प्रॉब्लम होगी. तो इस पूरे आर्टिकल में मुझको सब कुछ झूठ लग रहा है, ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं लगा मेरे को. सब लोग डिप्लोमेसी खेल रहे हैं अपना अपना, तो और इस आर्टिकल में कुछ नहीं है अपने लिए. सो थैंक यू गाइज, एंड डिप्लोमेटिक आप लोग भी बनिए. वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.